ओम शांति। आप सबको स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल सीधा सुधा चौथलाइस वेतन में। और आज हम करेंगे 25 मार्च के ईश्वरी वरदान की रिकॉर्डिंग, जहाँ पे परमपिता परमात्मा चाहते हैं कि हम अपने पर भरपूर स्टॉक में से, एक ब्राह्मण होने के नाते हमारे पास में सारे स्टॉक भरपूर होने चाहिए, चाहे वो गुणों के स्टॉक हो, चाहे वो शक्तियों का स्टॉक हो, चाहे वो ज्ञान का स्टॉक हो। क्योंकि हर एक आत्मा संपूर्ण ज्ञान नहीं लेगी, हर एक आत्मा ब्राह्मण नहीं बनेगी। तो किसी आत्मा को, किसी धर्म की आत्मा को शक्ति चाहिए, किसी धर्म की आत्मा को शांति चाहिए, किसी धर्म की आत्मा को प्रेम चाहिए, किसी धर्म की आत्मा को कंप्लीट खुशियाँ चाहिए। तो हम ब्राह्मण होने के नाते उनको ये बांटें। तो परमात्मा इसमें कहते हैं कि अपने भरपूर स्टॉक द्वारा खुशियों का खजाना बांटने वाले हीरो हीरोइन पार्टधारी भव, जो हीरो हीरोइन जो पार्ट निभाते हैं, एक ड्रामा का कोई हीरो हीरोइन होता है, वो शुरुआत से होता है ड्रामा के शुरुआत से। तो हीरो हीरोइन पाठधारी आत्मा जो वो होती हैं, वो ड्रामा के हर एक किरदार निभाने वाली आत्मा को हीरो हीरोइन बनकर के पालना देती हैं। अब ये कौन सी पालना है, इस पालना को हम कैसे दें? पहले खुद तो अपनी पालना करें, पहले खुद तो हम शांत रहें, पहले खुद तो हम खुश रहें, पहले खुद तो हम संतुष्ट रहें, तब जा करके हम औरों को भी आगे बढ़ा सकते हैं या ये कला सिखा सकते हैं। तो परमात्मा पिता इसमें कहते हैं कि संगम युगी ब्राह्मण आत्माओं का कर्तव्य है, हम हो गए ब्राह्मण आत्माएं। ब्रह्म कुमारी से मतलब ब्रह्मा के आचरण में चलने वाले ब्राह्मण। तो अगर आप 7 दिन का कोर्स करते हैं और आप यहाँ की जो रीति रिवाज है, सुबह अमृत वेला 3:30-4 बजे उठ करके मेडिटेशन करना, वहाँ से लेकर के अपनी पूरी दिनचर्या, अगर आप अपने काम काज में जाते हैं, बिजनेस में जाते हैं, जॉब में जाते हैं, उसमें भी अगर आप मेडिटेटिव मोड में रहते हैं, तो आप भी ये सारे गुण और शक्तियाँ औरों को बांट सकते हैं, ये विजडम औरों को बांट सकते हैं, कर्म करके दिखा करके, सिर्फ बोल करके नहीं। तो इसको कहते हैं कर्मयोगी। संगम योगी ब्राह्मण आत्माओं का कर्तव्य है सदा खुश रहना और खुशी बांटना, लेकिन इसके लिए खजाना भरपूर चाहिए। खजाना कौन सा? खुशियों का, शक्तियों का खजाना और ज्ञान का खजाना। अगर खुद ही लोटपोट हो जाते हैं, खुद ही अगर हम अशांत हो जाते हैं, कोई सिचुएशन आती है तो हम घबरा जाते हैं, तो हम और को कैसे कह सकते हैं कि आप घबराओ मत? परमात्मा कहते हैं अभी जैसा नाजुक समय नजदीक आता जाएगा, नाजुक समय नजदीक आया था आपके लिए भी, मेरे लिए भी, कोविड का जो आया था समय वो नाजुक समय था, बहुत आत्माओं ने त्राही त्राही करी, बहुत आत्माएं घबराई, स्ट्रेस में आई, टेंशन में आई, बहुत सारे रिलेशनशिप्स खराब हुए, बहुत सारे घर बिगड़े। लेकिन जो आत्माएं ज्ञान में थीं, जो आत्माएं ब्रह्म ज्ञान को जानती थी, पहचानती थी, वो अचल अडोल अंगद की तरह रहीं। कि आपके पास वो ज्ञान था, कि आपने भी त्राही त्राही करी। अगर और आगे ऐसी सिचुएशंस और विकराल होकर के आती हैं, और बड़े बड़े कोविड जैसे और बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं, अभी तो युद्ध हो रहा है, अगर ये विश्व युद्ध में परिवर्तन हो गया तो क्या आप हाय हाय करेंगे? अगर आपके पास में संपूर्ण ज्ञान होगा तो आप हाय हाय नहीं करेंगे, आप वाह वाह करेंगे। उसका राज है जानने के लिए आपको ब्रह्म कुमारी इसका 7 डे कोर्स बेसिक करना पड़ेगा और फिर आगे और थोड़ी सी विद्या सीखनी पड़ेगी। लेकिन अभी चलते हैं आगे। परमात्मा कहते हैं नाजुक समय नजदीक आता जाएगा, वैसे अनेक आत्माएं आपसे थोड़े समय की खुशी की मांगनी करने के लिए आएंगी। तो इतनी सेवा करनी है जो कोई भी खाली हाथ नहीं जाए। किसी को शांति चाहिए, शांति मिले, किसी को खुशी चाहिए, खुशी मिले। ब्राह्मण कोई हिंदू धर्म वाले नहीं होते हैं, ब्राह्मण होते हैं सारे धर्म के फाउंडेशन, जिनके बारे में सारे धर्मों का ज्ञान होता है, सारे चक्र का ज्ञान होता है। उनको ये भी पता होता है कि बाकी धर्म की आत्माएं कब कब फिर से इस धरती पर आएंगी, फिर से गौतम बुद्ध कब आएंगे इस धरती पर, फिर से जीसस क्राइस्ट कब आएंगे इस धरती पर संपूर्ण पवित्र बन करके। उनको सारे धर्मों की आत्माओं का ज्ञान होता है, कैसे ये चक्र चलता है, ब्रह्म ज्ञान होता है, स्व का ज्ञान होता है और रचयिता का ज्ञान होता है। आप भी तो एक्टर हैं मेरी जैसे इस ड्रामा में। अगर एक्टर को सारी स्क्रिप्ट ना पता हो, सारी मूवी की शुरुआत, मिडिल, इंटरवल और अंत ना पता हो, तो फिर वो एक्टर ही किसी काम का नहीं हो सकता। तो आपकी एक्टिंग फिर कैसी होगी? तो आपको तो रोल चेंज होता जाएगा ना, जैसे मूवी आगे बढ़ती जाएगी आपका रोल चेंज होता जाएगा। लेकिन अगर आप सेम रोल अदा करते रहेंगे, और अभी युग परिवर्तन आने वाला है, और अगर हम विलन का रोल अदा कर रहे हैं, मतलब कि अहंकार का, क्रोध का, ईर्ष्या का, घृणा का, नफरत का, और युग परिवर्तन होने वाला है, तो फिर हमें तो हीरो बनना चाहिए ना कि विलन। लेकिन अगर आप सेम स्क्रिप्ट पे चलते रहेंगे तो फिर तो मूवी में आप गलत एक्टिंग कर रहे होंगे। तो इसलिए हम एक्टर हैं तो हमें पता होना चाहिए, ब्राह्मण को ये पता होता है। तो परमात्मा फिर कहते हैं तो इतनी सेवा करनी है जो कोई भी खाली हाथ नहीं जाए, इसके लिए चेहरे पर सदा खुशी के चिन्ह हों। कभी मूड ऑफ वाला,
माया से हार खाने वाला, कभी काम वासना से हार खा लिया, कभी क्रोध से हार खा लिया, कभी अहंकार से हार खा ली, कभी मोह में आ गए, कभी लोभ में आ गए और फंस गए। दिल शिकस्त वाला चेहरा ना हो, सदा खुश रहो और खुशी बांटते चलो, तब कहेंगे हीरो हीरोइन पाटधारी। तो परमपिता परमात्मा चाहते हैं कि हम ऐसा रोल अदा करें, और ये रोल अदा कैसे करना है इसके लिए आपको ब्रह्मा कुमारी के गॉडली स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी में जाकर के 7 डे का हीरो हीरोइन का पार्ट निभाने वाला रोल या स्क्रिप्ट सीखनी पड़ेगी, जो कि 7 डे के कोर्स में बेसिक सिखाई जाती है। आज के श्री वरदा, इसके साथ ओम शांति।